खबर के साथ बड़ी खबर आपको बता रहे सीधा पटना से, जहां पर 24 घंटे में 126 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो पटना में भी लगातार कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है। पटना एम्स में 8 नए मरीज भर्ती हुए हैं। बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। पटना में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की जान चली गई है और IGIMS में 13 नए मरीज भर्ती हुए हैं। तो वही 7 स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। IGIMS में 6 मरीजों की वही मौत भी हो गई है। तो बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर बीते 24 घंटे में 126 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो वही पटना एम्स में 8 नए मरीज भर्ती हुए हैं। पटना में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 14 लोगों की जान चली गई है। IGIMS में 13 नए मरीज भर्ती हुए हैं, तो 7 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वही कोरोना की वजह से 6 मरीजों की जान चली गई है। तो बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर अब कोरोना केसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, बिहार में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, तो इसके लिए हम लॉकडाउन को जिम्मेदार मान सकते हैं? देखिए नुपुर, बिहार में ही नहीं पूरे देश में कोरोना के ग्राफ काफी तेज और पूरे देश में कहीं ना कहीं लॉकडाउन है या अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार में जो एक महीने का लगभग लॉकडाउन लगाया है, उसके अभी तक चौथा चरण है लॉकडाउन का जो 8 जून तक चलेगा, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए। लेकिन ये भी देखा जाए कि जो वायरस होता है वो एक टाइम पर पीक पर होता है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ऑर्डर पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो दोनों कारण है, कई कारण है। लॉकडाउन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लॉकडाउन में, क्योंकि कहा गया है, दुनिया में माना गया है कि कोरोना से निपटने के लिए आपके पास अगर कोई एक हथियार है तो वो लॉकडाउन है। उसके अलावा वैक्सीनेशन है तो अभी चल रहे हैं पूरे देश में, लेकिन पूरी दुनिया में और देश में, लेकिन लॉकडाउन एक बहुत कारगर उपाय माना गया है। तो बिहार में भी तमाम शर्तों के साथ लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखे हैं। देखिए परिणाम इस तरह दिख रहे हैं कि अगर आप एक सप्ताह का करीब आंकड़ा उठाएं, एक सप्ताह का डेटा निकालें, तो आप देखेंगे कि चाहे वो पटना शहर के पटना जिले में हो या फिर पूरे बिहार में हो, कोरोना के मामले काफी तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं। नुपुर, कल की बात की जाए तो कल शाम तक पूरे बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले में लगभग 32 ऐसे जिले थे जहां पर कोरोना के मामले 100 से कम थे, यानी आप समझ सकते हैं कि मामले कितने कम थे, और 22 ऐसे जिले हैं जहां 50 के लगभग 50 से कम के मामले। तो कोरोना किस तरह गिरा है, क्योंकि एक समय था जब हम 1000 से नीचे किसी जिले में बात नहीं करते थे, तो ऐसे में 22 ऐसे जिले हैं और 6 ऐसे जिले हैं जहाँ 100 से ज्यादा मामले हैं, वो भी 100 से बहुत ज्यादा मामले नहीं है। पटना में कुछ 26 करीब मामले हैं और बाकी जिले उससे कम मामले। तो इस तरह तेजी से मामला ग्राफ गिर रहा है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम होते जा रही है। महत्वपूर्ण है कि मरीज जो भर्ती थे पहले से, जो पहले से इलाजरत थे या फिर होम आइसोलेशन में थे, किसी को माइल्ड मॉडरेट या सीवियर केसेस थे, तमाम लोग रिकवर हो रहे हैं। अस्पतालों में पूरा स्पेस बन गया है, अस्पताल लगभग खाली है, नए मरीजों का इंडक्शन नहीं हो रहा है, नए मरीज इंफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो एक बहुत सकारात्मक बात है। और अगर आप क्रेडिट देने की बात करते हैं, क्रेडिट किसे जाता है, मल्टीपल एफर्ट रहा है, तमाम क्षेत्रों से एफर्ट लगाया गया था, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात। शशांक, आज CM नीतीश कुमार 121 टीका एक्सप्रेस भी रवाना करने वाले हैं, तो इससे लोगों को घर के पास वैक्सीन लगने में भी काफी सुविधा होगी टीका एक्सप्रेस की वजह से। आज 121 टीका एक्सप्रेस बिहार से निकलेंगे, तो बिहार के विभिन्न जगहों में जाएंगे, प्रखंड वाइज जाएंगे और गांव-गांव में घूमकर उनको पूरा शेड्यूल बना दिया गया है, उनको किस समय किस गांव में जाना है और कहां वैक्सीनेशन करेंगे। देखिए नुपुर, उद्देश्य टीका एक्सप्रेस का क्या है, अभी तक आप देखेंगे तो अगर कोविन ऐप में जाया जाए, कोविन ऐप जहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर अन्य ऐपों से रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए, तो 18 प्लस के वो जितने वैक्सीन इनको लेना है, 18 प्लस के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको वैक्सीन की जरूरत है और काफ़ी ज़्यादा वो रजिस्टर कर रहे हैं ऐप में, और 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीन की कमी भी है, लेकिन 45 साल से लेकर ऊपर के जो लोग हैं
उनके लिए बिहार में देश में कहीं वैक्सीन कोई कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों में जो जितनी संख्या है वो लोग आगे आ नहीं रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बड़ी संख्या ऐसी है आपको बता दें कि वो उन्होंने पहली डोज तो ले ली है लेकिन दूसरी डोज नहीं ली है। दूसरी डोज नहीं लेने के कारण है कि अभी उसमें समय भी बढ़ा दिया गया है, कोविशील्ड में उसमें 84 दिन का समय कर दिया गया है मिनिमम। और कोवैक्सीन जिन्होंने पहली डोज ली है वो भी अब सेकेंड डोज के बहुत लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं। तो सरकार ये मान ली 45 साल के ऊपर की हमारे पास पूरी वैक्सीन है, भरपूर मात्रा में वैक्सीन है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन वैक्सीन दे सके, इसलिए 121 टीका एक्सप्रेस जाएंगी, विभिन्न जिलों में जाएंगी, विभिन्न गाँव में जाएंगी, पंचायतों में जाएंगी, सबका शेड्यूल बना हुआ है। वहाँ जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों को पहले से कहा गया कि आप पूरी लिस्ट बनाकर और लोगों को तैयार रखें और जिस दिन वो टीका एक्सप्रेस जिस गाँव में पहुंचेगी, जिस टोले में पहुंचेगी, नहीं टोले तक जाना है उसको, जिस टोले में पहुंचेगी, पंचायत में पहुंचेगी, प्रखंड मुख्यालय में पहुंचेगी या किसी बाजार हाट में पहुंचेगी, उन सभी जगहों पर लोगों की लिस्ट बनी रहेगी या लोग खुद आकर अपना डॉक्यूमेंट पेश करेंगे और ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन कराएंगे। उससे ये फायदा होगा कि लोगों को जब सामने अपने वैक्सीन होते दिखेगी तो लोग थोड़ा प्रेरित होते हैं, क्योंकि कोई लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाँव में खास करके जो रूरल एरियाज हैं वो लोग पहल करके नहीं जा पाते हैं। और दूसरा जो पोर्टल पे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन वाली बातें सामने आ गई थी, हालांकि 45 साल से ऊपर के वाले लोगों के लिए बिहार में लागू नहीं है, वो लोग सेंटर पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इससे बच रहे थे। जब टीका एक्सप्रेस पहुंचेगा उनके गाँव के लोग ले रहे होंगे, अगल बगल के लोग ले रहे होंगे। शशांक, विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिहार में टेस्टिंग कम कर दी गई है और इसलिए ये आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, तो कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, क्या सच में लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए नुपुर, जब केस डिक्लाइन होते हैं, जब मामले गिरते हैं या वायरस का स्ट्रेन कमजोर पड़ता है, इसके नापने के कई तरीके हैं। एक नापने का तरीका है टेस्टिंग, जिसकी विपक्ष बात कर रही है, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो आपको पॉजिटिव मरीज ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो सरकार कर रही है या जो तरीका है, जो साइंटिफिक तरीका है, वो ये है कि हम लोग तो संक्रमण की दर देखते हैं क्या है, यानी 1000 लोगों को हमने अगर टेस्ट किया है तो कितने लोग संक्रमित मिले, 1,00,000 लोगों को रेंडमली टेस्ट किया है तो कितने लोग मिले, इससे जो दर में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। आप नंबर ऑफ पेशेंट पढ़ सकते हैं, अगर आप 10,00,000 का करेंगे तो प्रभावित है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ पॉजिटिविटी है वो लगभग कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि वो पर 100 देखी जाती है। लेकिन दूसरी बात नुपुर सबसे महत्वपूर्ण है कि कोरोना का स्ट्रेन किस ताकत में है या अभी उसका रेप्लिकेशन कैसा है या नए कितना संक्रमण दर उसका है, ये देखने के एक पैमाना जो कि अस्पताल भी होते हैं। जो अस्पताल में जब मरीजों की संख्या बढ़ती है, जब वहां पर तमाम चीजें ज्यादा लोग पहुंचते थे, पता लगता है कि क्षेत्र के अंदर कोरोना के संक्रमण के मरीज भी हैं, संक्रमण की दर अभी बढ़ी हुई है। लेकिन अभी अस्पतालों की स्थिति देख ली जाए, चाहे वो प्रखंड जिला मुख्यालय का अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजेस बिहार में जितने हो निजी और सरकारी, उसके अलावा पटना के जो बड़े संस्थान हैं, एमसीएमसीएच, जो भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, उन तमाम जगहों पर बेड खाली पड़े हैं, पूरे ऑक्सीजन और आईसीयू के जो वेंटिलेटर के बेड हैं वो सारे खाली पड़े हैं। ऐसे में ये एक पैमाना होता है देखने का कि जो कोरोना के मामले हैं अब वो घट रहे हैं। उसके घटने में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष का आरोप है कि आप कम टेस्टिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास शहरों का संसाधन शिफ्ट करके गाँव की ओर ले जाना है, क्योंकि शहरों पर लगभग लोग एक पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन एक सैचुरेशन की स्थिति आ गई है। अब यहाँ पर कोरोना के केसेस मिलना कम हो गए हैं अपेक्षाकृत ग्रामीण इलाकों के, तो आपको ग्रामीण इलाकों को पूरे रिसोर्सों को शिफ्ट करना होगा। और देखिए ये फेज वाइज हो भी रहा है, आप देखेंगे जब टीका एक्सप्रेस, पहले कहा जाता है शहरों में ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, लेकिन अब टीकाकरण के लिए 121 वैन, यानी गांव में जो सेंटर थे वो तो थे ही, अब 121 टीका एक्सप्रेस गांव की ओर शिफ्ट कर रही है। जो टेस्टिंग लैब्स हैं जिसमें एंटीजन किट ज्यादा है वो भी वायरस गाँव की ओर रवाना हुई, तो अब पूरा फोकस अर्बन एरिया से सरकार का फोकस कम होकर वो रूरल एरिया में जाएगा। देखिए अर्बन एरिया जो सरकार का फोकस था एक पॉलिसी वाइज था, क्योंकि शहर में डेंसिटी बहुत होती है, डेंसिटी पॉपुलेशन की जो ज्यादा लोग कम जगहों में रहते हैं, इसलिए वहां पर नियंत्रण करना बहुत अधिक जरूरी होता है, क्योंकि अगर शहरों में संक्रमण ज्यादा फैला तो शहरों में कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ज्यादा पॉपुलेशन हिट करती है। तो सरकार की पॉलिसी थी और जितने संसाधन थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। शशांक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन के स्टॉक को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि पटना में कई दिनों से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, तो कब से शुरू हो पाएगा 18 प्लस का वैक्सीनेशन?
देखिए जो वैक्सीन जो बाहर से आ रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जो भी वैक्सीन आ रही है वो केंद्र सरकार भेज रही है और उसकी पर्याप्त यहाँ पर स्टॉक है, लेकिन वो 45 प्लस के लोगों के लिए है। 18 से 44 साल के लोगों जिन्होंने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है। जब कोविन ऐप पे जाते हैं तो उनको वहाँ पे दिखाया जाता है कि नो स्लॉट अवेलेबल, या दिखाया जाता है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस इज क्लोज राइट नाउ। तो ये तमाम चीजें जो है ये काफी परेशान कर रही है। बिहार सरकार से बात की जाती है, उनके अधिकारियों से बात की जाती है, मंत्री से बात की जाती है, उनका कहना है कि जो सप्लायर है वो कोविशील्ड के सप्लायर हो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्सीन हो या फिर भारत बायोटेक कोवैक्सीन का हो, दोनों को ऑर्डर दिए जा चुके हैं, उनको पेमेंट किया जा चुका है, लेकिन वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार को सप्लाई करनी है। तो जो 18 से प्लस के जो लोगों को वैक्सीन देनी हो राज्य सरकार खरीद रही है, राज्य सरकार कहना है कि सप्लाई में प्रॉब्लम है, अभी सप्लाई उनको नहीं मिल पा रही है, जैसी सप्लाई मिलेगी दे दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए कितने दिनों से नहीं मिले, तो पटना में ही कम से कम एक सप्ताह हो गए जब यहाँ वैक्सीनेशन काम रुका हुआ है। तीसरी लहर की अगर बात करें तो अक्टूबर सितंबर तक ये लहर आ सकती है, तो उसको लेकर बिहार सरकार की क्या कुछ तैयारियां है? बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में एक साल में कई सारी भर्तियां भी होने वाली है। देखिए केंद्र राज्य सरकार ने तमाम, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्स हो, या फिर जो और विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, आयुष के डॉक्टर हैं, तमाम डॉक्टरों के लिए एक विज्ञापन निकाला है भर्ती के लिए। राज्य सरकार का मानना है कि ये जो तीसरी लहर आने वाली है उससे पहले इन तमाम लोगों को इक्विप कर दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग में लगा दिया जाए। तो इसके लिए एक बाकायदा भर्ती प्रक्रिया निकाल दी गई है और उस पर काम चल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जो तीसरी लहर आने वाली है, जिसको तथाकथित तीसरी लहर हम कह सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो वायरस का नेचर होता है वो बार बार रिवर्स बैक करता है। तो जो तीसरी लहर आ रही है उसमें अस्पतालों के पास जो अभी तक ढांचा बनाया गया था, क्योंकि जब पीक पर कोरोना था तो बहुत चीजों की कमी दिखी थी, ऑक्सीजन की कमी दिखी थी, बेड्स की कमी दिखी थी, वेंटिलेटर्स की कमी दिखी थी, दवाइयों की कमी दिखी थी, तो इन तमाम चीजों को सरकार ने कुछ हद तक काबू भी पाया, जिससे ऑक्सीजन के तमाम प्लांट लगाए जा रहे हैं, लग गए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को बहुत मजबूत कर दिया गया है। उसके अलावा अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, तो अब तमाम चीजों को व्यवस्था की गई है। लेकिन जो कहा जा रहा है आमतौर पर ऐसे स्पेकुलेशन है कि तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों को ज्यादा हिट करेगी, तो उसके लिए राज्य सरकार काफी तैयारी कर रही है। उसके लिए राज्य सरकार ने तमाम जिलों में जो पहले से या चाइल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट है वो पहले से हर जिले के जिला अस्पताल में है, उनको बढ़ाया जा रहा है हर जगह पर। चलिए शशांक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा, कम होता जा रहा है, और पटना एम्स में भाई 8 नए मरीज भर्ती हुए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 14 की मौत हुई है, तो वही 126 नए केस सामने आए हैं।